हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज में। और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर हम आपके सामने हैं बच्चों। देखिए स्टूडेंट, पूरे ये एक्सेलरेटर सीरीज मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पूरे साल से टारगेट नीट या टारगेट जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, और चूंकि गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम को पोस्टपोन करके थोड़ा सा डेट को आगे बढ़ा दिया है, तो वो अपनी स्टडीज़ से डिसकॉन्टिन्यू ना हो, कॉन्सेप्ट्स उन लोगों को अच्छे तरीके से याद रहें, इसीलिए एक्सीलरेटर सीरीज को हम लोग लेकर आए हैं बच्चों। और उम्मीद करते हैं कि इस एक्सीलरेटर सीरीज से आपको फ़ायदा हो ही रहा होगा। हम लोगों ने कुछ प्लान आउट रेडी किए हैं, और उन प्लान आउट के अकॉर्डिंग अगर हम फिजिक्स में बात करें तो आज से डेली बेसिस पर हम आपको 250 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स, 250 कॉन्सेप्ट, हो सकता है कि एक दिन में 3 दिन कॉन्सेप्ट्स भी हम आप लोगों को बताएं। अब आप देखिए, अगर 250 कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ेंगे और उनमें से 45 क्वेश्चन आप लोगों से नीट के अंदर और 25 क्वेश्चन जेई के अंदर पूछे जाने हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को ना बहुत फ़ायदा होने वाला है बच्चों। मात्र 5 मिनट की जो वीडियो है उसे कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो नया कॉन्सेप्ट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, वो कॉन्सेप्ट है क्या बच्चों। बच्चों बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं वेक्टर की, और वेक्टर के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों से पूछी जाती हैं। 2 कंडीशंस के क्वेश्चंस हमारे पास में थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर ऑफ 2 वेक्टर्स, और एक को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ 2 वेक्टर्स। इनके अंदर क्वेश्चन के चांसेस कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि नीट और जेई के अंदर फ्रिक्वेंटली बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से एग्जांपल्स को इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। कंडीशन स्टूडेंट हमारे सामने ये है, फॉर एग्जांपल हमें कोई वेक्टर दिया गया है ए वेक्टर, वैल्यू आपको दी गई है 2i-3j+4k। दूसरा वेक्टर हम लोगों को दिया है b(x i)(j-k2k). ठीक है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं, जिससे कि कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं अच्छे तरीके से। ये दोनों वेक्टर आपको दिए हैं और कहा है कि दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब आप बच्चों बताइए, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है। x अननोन कंडीशन है, i का जो कॉफिशेंट है वो x है, और आपसे पूछा है कि बताइए कि x की वैल्यू क्या होने वाली है। देखिए स्टूडेंट, अब हम कॉन्सेप्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कैसे, कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कैसे, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा याद करने का काम है, आप याद करेंगे कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल है, वो जीरो के इक्वल है बच्चों। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है वो जीरो के इक्वल होने वाला है। डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। अब डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही आसान है, कैसे निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट, जरा देखिए भैया। डॉट प्रोडक्ट आप लोग कैसे निकालेंगे, हमारे पास में गिवन है कि जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी वो जीरो के इक्वल है, आई का कॉफिशेंट है 2 और यहाँ पर आई का कॉफिशेंट है एक्स, सीधा मल्टीप्लाई करनी है, शॉर्ट तरीका है बच्चों। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये बनेगा 2x, -3 की 1 में करेंगे -3, 4 की -2 में करेंगे -8 इज इक्वल टू 0। ये सिचुएशन हमारे पास में ना डॉट प्रोडक्ट की बनी बच्चों। उम्मीद है कि इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने निकाला कैसे, सीधा मल्टीप्लाई करके, आई के कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे के कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई जे के साथ, और के कॉफिशेंट की मल्टीप्लाई के साथ। तो ये सिचुएशन हमारे सामने बनी। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा ना स्टूडेंट, तो ये बनेगा 2x = 11, x = 11/2। देखिए बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास में निकल चुकी है 11/2, और यही x की अननोन वैल्यू है जो हम लोगों को निकालनी थी। आई थिंक बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कुछ भी नहीं करना है। दो वेक्टर आप लोगों को दिए गए हैं, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। हम लोगों ने बिल्कुल वैसा ही किया,
डॉट प्रोडक्ट को निकाल कर जीरो के इक्वल रखा, सॉल्व किया, तो ये सिचुएशन हमारे सामने बन गई बच्चों। ओके चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है। भाई ये कंडीशन तो हो गई है हमारे पास में परपेंडिकुलर की, एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ पैरेलल की। देखिए ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस xj कैप प्लस 3k कैप, बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस j कैप प्लस 6k कैप। ये सिचुएशन स्टूडेंट हमारे सामने है और हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, देखो ये कंडीशन जो थी आपके पास में वो परपेंडिकुलर की कंडीशन थी और ये जो कंडीशन है आपके पास में ये पैरेलल की कंडीशन है। तो कहा गया है कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हमें बताना है कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होने वाली है। आइए देखते हैं कि x की वैल्यू हम लोग बताएंगे कैसे। x की वैल्यू बताने का ना तरीका बड़ा ही आसान है बच्चों, हमने वहाँ मल्टीप्लाई की थी, यहाँ डिवाइड करना है, यहाँ डिवाइड करके इक्वल रखना है आप लोगों को। यहाँ आपने मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया था स्टूडेंट, साइन के अकॉर्डिंग काम किया था। यहाँ क्या करना है, 2 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, ओके एक्स को डिवाइड करेंगे, देखो जे का कॉफिशेंट 1 है, 1 के साथ, 3 को डिवाइड करेंगे 6 के साथ, ये सिचुएशन हमारे सामने बनेगी। और इनके बीच में हम लोग लगाएंगे इक्वल टू का साइन बच्चों, डिवाइड करके इक्वल टू रखना है, आई के कॉफिशेंट को आई के कॉफिशेंट से डिवाइड करना है, जे के कॉफिशेंट को जे के कॉफिशेंट से डिवाइड करना है, के कॉफिशेंट को के कॉफिशेंट से डिवाइड करना है। अब इन सबको आप इक्वल रख सकते हैं बच्चों, कैसे, हमने इन दोनों को आपस में इक्वल रखा तो क्या कंडीशन बनेगी, 2/4 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1, सो एक्स इज इक्वल टू 1/2, यानी इस वेक्टर में जो अननोन वैल्यू आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों एक्स, वो जो अननोन वैल्यू आप लोगों को स्टूडेंट दिखाई दे रही है एक्स, और उस एक्स की वैल्यू होने वाली है 1/2। इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है और ये दो वेक्टर के पैरेलल होने की कंडीशन है। अभी पैरेलल और परपेंडिकुलर पर जो मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ बच्चों, एक बहुत ही सुपर प्रॉब्लम लेकर आने वाला हूँ, उस प्रॉब्लम को करने के बाद में पैरेलल और परपेंडिकुलर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। वेक्टर चैप्टर में कुल मिलाकर 5 कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे और 5 कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद में उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी वेक्टर चैप्टर में। चलिए मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों से।